नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मिलाया हूं फॉल ऑफ एक्स शैडो कैट। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि फेलोंग ने टोनी स्टार्क के सारे आर्मर्स पर कब्जा कर लिया है और फिर उसने अपने नए सेंटिनल्स बनाए जिसका इस्तेमाल ऑर्कस और डॉक्टर स्टेसिस ने किया, और वे सब लोग मिलके क्रकोआ में घुस गए और वहां बहुत से म्यूटेंट को मार दिया। लेकिन इन सबसे अलग किटी प्राइड क्या कर रही थी ये हमें इस इश्यू में पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक अकेली ऐसी म्यूटेंट है जो क्रकोआ की गेट्स कभी पार नहीं कर पा रही थी। लेकिन हेलफायर के इवेंट के बाद वो अब क्रकोआ की गेट्स पार कर पा रही है जबकि बाकी म्यूटेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम किटी यानी कि केट प्राइड को देखते हैं जो जेवियर मेंशन में आती है जो क्रकोआ बनने के बाद वीरान खंडर बन चुका था। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये सीन उस समय चल रही है जब हेलफायर गाला का इवेंट हो चुका था, लेकिन केट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने वारंट जारी किया है। तभी केट अपने पावर्स का यूज करके जेवियर मेंशन के अंदर आती है और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि जब तुम सो रही थी तब ऑर्कस ने पूरी दुनिया बदल दी। कुछ घंटे पहले ऑर्कस ने ह्यूमैनिटी पर हमला किया और ह्यूमंस को ये दिखा दिया कि क्रकोआ के म्यूटेंट्स उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं, और फिर ह्यूमंस को ये दिखाकर ऑर्कस ने हेलफायर गाला में अटैक कर दिया जो म्यूटेंट्स के लिए त्योहार का दिन होता है जहां म्यूटेंट्स ह्यूमंस के साथ दोस्ती की मिसाल रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर केट अपने स्कूल वापस गई थी क्योंकि इंटरपोल ने उसके अगेंस्ट वारंट जारी किया है। ये लोग मानते हैं कि केट प्राइड सबसे खतरनाक आतंकवादी है और इसलिए वारंट जारी किया गया है। कैथरीन प्राइड हमेशा कई नामों से जानी जाती है जैसे कि एरियल, फिर स्प्राइट या फिर कैप्टन केट द रेड क्वीन, पर इनमें से वो एक ही नाम अपनाएगी। तभी हम केट को देखते हैं जो वहां के तहखाने में हाथ डालती है और उसमें से दो तलवारें निकालती है और साथ में एक लेटर जो ओगन ने उसके लिए लिखा था जिसमें ओगन कहता है कि तो हमेशा से वो वेपन रही हो जो तुम्हें बनाया गया है। शैडो कैट यासिन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर स्टेसिस को देखते हैं जो ह्यूमंस को खबर सुना रहा था, और तब वो ह्यूमंस से कहता है कि ऑर्कस उस लैंड पर पहुंचने से पहले ही खूंखार म्यूटेंट्स ने ह्यूमंस को मार दिया था, और जब हमने म्यूटेंट्स का विरोध किया तो ये म्यूटेंट्स भाग गए। मेरा नाम डॉक्टर स्टेसिस है और मैं यहाँ तुम इंसानों को जगाने आया हूँ जो इतने सालों से सो रहे थे इस भ्रम में कि ये म्यूटेंट्स अच्छे हैं। लेकिन आज हम ऑर्कस ने इन म्यूटेंट्स की सच्चाई आप सबके सामने लाई है। ये म्यूटेंट्स दवाई के नाम पर इंसानों को जहर बेचते थे, इसलिए ऑर्कस ने उनका पर्दाफाश किया है और अब ऑर्कस इनकी दवाई का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। इन म्यूटेंट्स ने जो महापाप किया है उसकी सजा हम उन्हें देंगे। हालांकि कुछ म्यूटेंट्स ऐसे है जो जेवियर की पकड़ को बहुत जल्दी समझ गए और इसलिए उन लोगों ने ऑर्कस का साथ देना चाहा, और उनमें से एक है फायर स्टार। वो हमारी जासूस बन के इन म्यूटेंट्स में रही जो खुद को देवता मानते हैं। तभी पास में खड़ी फायर स्टार क्रकोआ की गेट के पास जाती है और देखती है कि वो अब गेटवे को पार नहीं कर पा रही थी। ये देखकर डॉक्टर स्टेसिस कहता है, देखा हमारे ऑर्कस के लोगों ने इस गेटवे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है, अब इस गेटवे से कोई म्यूटेंट आ जा नहीं सकता है। अब से ऑर्कस इंसानों की रक्षा करेगी, जो काम शील्ड को करना चाहिए था वो अब ऑर्कस करेगी। हमने कई सारे म्यूटेंट्स को पकड़ा है जिनमें से जो अपनी इच्छा से मार्स जाना चाहते थे उन्हें हमने मार्स भेज दिया। यह कहते हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टेसिस सरासर झूठ बोल रहा है और कस जबरदस्ती म्यूटेंट को पकड़कर मार्स पर फेंक रहे हैं। या डॉक्टर स्टेसिस मीडिया से कहता है कि जैसे ये म्यूटेंट्स तुम लोगों से झूठ बोल रहे हैं वैसे हम लोग आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम जल्दी उस कैप्टन क्रकोआ को ढूंढ निकालेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। यासिन शिफ्ट होती है और हम व्हाइट हाउस देखते हैं जहां पर मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने फेलोंग अपने सेंटिनल के साथ आया था। तभी फेलोंग मिस्टर प्रेसिडेंट से कहता है, हम आपके आभारी है, आपने हमारा साथ दिया, अब फाइनली लोगों को समझ में आएगा कि ऑर्कस उनका बुरा नहीं चाहती है। जिस पर मिस्टर प्रेसिडेंट फेलोंग से कहता है कि हमने अपने साइड से पूरा प्रयास किया है लेकिन तुमने जो वादा किया था तुमने अब तक पूरा नहीं किया है। तुमने कहा था कि तुम कैप्टन क्रकोआ को पकड़ कर लाओगे जो तुमने अब तक नहीं किया है। जिस पर फेलोंग मिस्टर प्रेसिडेंट से कहता है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, एक बार ये सारे म्यूटेंट्स और छोड़ दे, उसके बाद उस कैप्टन क्रकोआ को भी हम देख लेंगे।
मैं जानता हूँ कि अब भी कई सारे बुरे लोग हमारे बीच है, इसलिए मैं मून पर डिफेंस सिस्टम बना रहा हूँ ताकि भविष्य में अगर मार्स ने हमला किया तो हमारे पास उनके लिए अच्छा खासा जवाब होगा। यह कहते हम फेलों के बनाए हुए वॉर मशीन देखते हैं जो 24 घंटे मार्स पर ध्यान रखे हुए है। यासीन शिफ्ट होती है और हम रेंडल आइलैंड देखते हैं जहाँ पर कुछ म्यूटेंट्स को पकड़ कर रखा था और वहाँ पर उन पर प्रयोग किए जा रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा था कि यहाँ रेंडल आइलैंड पे म्यूटेंट के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर से ये ऑर्कस इन म्यूटेंट्स के साथ गलत कर रहे थे। तभी हम वहाँ पे डॉक्टर स्टेसिस को देखते हैं जो वहाँ के एक कैदी से मिलने आया था। तभी डॉक्टर स्टेसिस वहाँ के डॉक्टर से पूछता है कि क्या प्रिजनर 10 जाग गया, जिस पर डॉक्टर कैंपबेल कहता है हाँ वो जाग गया है, लेकिन उसके साथ जो हमने किया है वो उससे नाखुश है। जिस पर डॉक्टर स्टेसिस कहता है वो खुश है या नहीं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं डॉक्टर स्टेसिस उस सेल में आ जाता है जहाँ प्रिजनर 10 है और तब अंदर आके डॉक्टर स्टेसिस उस कैदी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जाग चुके हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमसे नाराज हो, लेकिन आज जो तुम यहाँ हो वो तुम्हारे कारण ही हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हें कम दर्द हो। तभी डॉक्टर स्टेसिस उस कैदी के पास आता है और कहता है देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। म्यूटेंट्स ने ये प्लैनेट पर कब्जा किया है पर अब हम इस प्लैनेट को वापस ले रहे हैं, हमें इस हद पर खुशहाली से जीने दो और अगर तुमने बाहर आकर म्यूटेंट मैसेकर की कहानी सबको बताई तो तुम जैसों को हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चुप रहो और अपनी सजा भुगतो, तो क्या बोलते हो? यह कहते हम उस कैदी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि साइक्लॉप्स है जिसकी आंखें सील दी गई थी ताकि उससे एनर्जी ना निकले। तब स्कॉट ये सब सुन के डॉक्टर स्टेसिस की मदद करने से मना करता है। ये सुनते ही डॉक्टर स्टेसिस क्रोधित होता है और स्कॉट से कहता है कि तुम बदसूरत दिखने वाले, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकारना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आंखें अब पहले जैसी नहीं है और अभी तुम्हारे गले पे जो पट्टा लगा है वो एडमेंटियम का है जो यहाँ एडमेंटियम फिल्मेट से जुड़ा हुआ है, तो अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा छेद हो जाएगा जिससे कि पूरा बेसबॉल घुस सकता है। ये सुनते साइक्लॉप्स कहता है बाहर में जाओ तुम, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, एक्समैन ये रोक के रहेंगे। ये सुनते ही डॉक्टर स्टेसिस साइक्लॉप्स से कहता है क्या कहा? एक्समैन? देखो अब कोई एक्समैन नहीं है, क्रकोआ खाली पड़ चुका है और तुम्हारे आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है, तुम्हारा वो ट्री हाउस जल चुका है और तुम्हारी दवाइयों में जहर मिल चुका है। ये सारे लोग अब तो म्यूटेंट्स के जान के प्यासे बन चुके हैं, वो तो हम ऑर्कस है जो उन्हें रोक रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे कीड़े अब भी किसी नाली में छुपे हुए हैं, जब तक कि हम उन्हें तोड़कर मारने देते हम इन लोगों को रोक के रखेंगे। यासीन शिफ्ट होती है और हम सिंह, रास्पुटिन, मिस मार्वेल और टैलन को देखते हैं जो किसी सीवर में अपना बेस बनाकर छुपे हुए थे। तभी सिंह सबसे कहता है कि हमारे कुछ दोस्त के कारण हम यहाँ सेफ हाउस बना पाए, तो अब हम सब मिलकर ऑर्कस के फैसिलिटी पर ध्यान रखेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर दीवार से होते हुए शैडो कैट आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ आराम करने आई हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। यह कहते शैडो कैट आराम करने जाती है। तभी सिंह उसे रोकने जाता है लेकिन शैडो कैट दीवार से चली जाती है। यासीन शिफ्ट होती है और हम फौज को देखते हैं जो कुछ टाइम पहले गरीबों के लिए एक ट्री हाउस बना रहा था, लेकिन तभी फौज देखता है कि वो अचानक से एक अजीब से प्लैनेट पर आ चुका है। तभी देखकर फौज वापस क्रकोआ के गेट से जाने लगता है, लेकिन अब वो ये नहीं कर पा रहा था और तब फौज को याद आता है कि वो जिस जगह पे है उस जगह पर एक्समैन ने चिल्ड्रन ऑफ वॉल्ट को कैद किया है और तब चिल्ड्रन ऑफ वॉल्ट बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमारी यह हालत एक्समैन के कारण हुई है, इसलिए हम एक्समैन को नहीं छोड़ेंगे। या हम म्यूटेंट्स का सेफ हाउस देखते हैं जहाँ पर एमा फ्रॉस्ट आई हुई थी। तभी एमा कमाला से कहती है कि मैंने तुम्हें अच्छी लाइफ दी है फिर भी तुम यहाँ गए, जिस पर कमाला कहती है कि तुमने मेरी मदद की है तो अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करने का। ये कहते हैं वहाँ यूटिलिटी स्क्वाड आ जाती है और वे लोग नई प्लानिंग करने लगते हैं। फिर सब जाने के बाद एमा फ्रॉस्ट शैडो कैट से पूछती है कैथरीन बात क्या है, जिस पर शैडो कैट कहती है कि अगर हम ऐसे जाने वाले हैं तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं जंग लड़ने जा रही हूँ, जिस पर एमा कहती है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, तो बताओ तुम अब कहाँ जा रही हो, जिस पर शैडो कैट कहती है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं फायर स्टार को मारने जा रही हूँ। एंड दैट्स इट, ये इशू यह कंटिन्यू होता है।